ये देखिए, फिर आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये पांच फंदे जो लपेटे वाले थे, इसको मैंने उल्टी वाली सिलाई पे ली ऐसे। इसे गिराएंगे नहीं, ऐसे एक लपेटा ऐसे लिया सिलाई पे, फिर इसी को दो, फिर ऐसे लिया। ये जो पांच लपेटे वाले फंदे खोल के बने थे, वो फिर से पांच बन जाएंगे। 1 2 3 4 5। और एक ये जो लाल फंदा था, इसे ऐसे बिना बुने उतार देंगे। ये तीसरी सिलाई थी, तीसरी सिलाई पे फूल बनता है। और फिर ये देखिए, अब ये चौथी सिलाई है, इसमें इस लाल फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। और ये जो लपेटे वाले फंदे थे, पांच हुए थे, उन्हें देखिए, उन्हें भी लाल रंग से बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये ध्यान देने की बात है, जो ये लाल फंदा बिना बिना हुआ है, उसको ये नीचे आप देखेगा पीछे की तरफ, ये एक ऐसे, ये देखिए, ये पीछे एक ऐसे लंबा सफेद फंदा है, उसको सलाई पे उतार लेंगे पीछे की, और सलाई पे ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे। और इस लाल वाले को नीचे से उठाए सफेद फंदे के साथ ऐसे बिन देंगे, तो ये एक लंबी सी चोटी बन जाएगी। फिर अब इसे, ये जो पांच फंदे थे, इसे भी सीधा बिन लेंगे। इस 2 3 4 5। फिर ये लाल फंदा जो बिना बुना हुआ है, उसको पीछे से, ये लंबा फंदा है, ये पीछे से उतारेंगे और ऐसे इसे सीधा बिनेंगे। इसी तरह ये पूरी सलाई हम बिन लेंगे, अंत तक पूरी सिलाई, और बहुत ढीले फंदे नहीं छोड़ेंगे, पूरी सिलाई इसी तरह सीधे बिन लेंगे। ये चौथी सिलाई है। बार और देख लीजिए, ये पीछे से ये लाल सफेद फंदा जो लंबा धागा है, इसको लाल के पीछे रखेंगे और इसे ऐसे उतार लेंगे। और ये जो लपेटे हुए फंदे थे पांच, 1 2 3 4 5, और इसको लाल लाल को ऐसे। अब आप उल्टी तरफ आएंगे, ये हमारी पांचवी सिलाई है। इसको, ये पूरी सिलाई आप लाल ऊन से सीधी बुन लेंगे। अब हम ये चौथी सिलाई बनाएंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि एक बार, जैसे यहाँ ये हमारी छठी सिलाई है, ये तीसरी सिलाई पे फूल बनेंगे, सातवीं सिलाई पे फूल बनेंगे, सिर्फ पैटर्न वही है। आप इसको, अगर एक सीध में फूल बनते हैं तो अच्छे नहीं लगते, ये बिखरे बिखरे रहते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो ये छठी सिलाई है, पहली बार एक फंदा बिने बिने उतारे थे, अब ये चार फंदा बिना बुने लाल उतारेंगे। 1 2 3 4। और अब ये फिर से फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे पहले हमने लपेटा था। तो अब पांच फंदों पे, एक फंदा हो गया, 2 3 4 5, और एक लाल बिना बुने उतारेंगे। फिर उसी तरह 1 2 3 4 5, और एक बिना बुने उतारेंगे। और इसी तरह पूरी सिलाई करेंगे, जो प्रक्रिया मैंने पहले की थी उसी तरह फिर इसे करेंगे, और 9 सिलाइयों तक बुनेंगे। 9 सिलाइयों में पहली बार, एक बार ये चार फंदे बिना बुने उतारने हैं। जब एक फूल पूरा हो जाए तो ये बीच में फूल आए, इसलिए एक फंदा बिना बुने उतारे, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे वो लपेटे वाले फंदे बनेंगे। तो ये हॉरिजेंटल शेप में जाएंगे। ये मैं एक बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाइट लाइट कलर को, ये जो फ्लावर है, ये किसी भी लाइट कलर से बनाए तो इनका शो और लुक ज़्यादा अच्छा आता है। अब मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने सजेशन दें, हमारे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो सुझाव हो मुझे दें।